सिंध हुकूमत ने अंदरून शहर ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाल करने का फैसला कर लिया। तहम इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट की बहाली के लिए SOP बनाई जाएगी। ज़राए सिंध हुकूमत के मुताबिक वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेरे सदारत नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के इजलास में सिंध हुकूमत ने अपनी तजावीज़ पेश की। इजलास में वजीर रेलवे शेख रशीद ने ट्रेन सर्विस बहाल करने का मुतालबा किया। तहम सिंध समेत तमाम सूबों ने ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने की मुखालफत कर दी। इजलास में लॉकडाउन में नरमी, कारोबारी सरगर्मियों की बहाली के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। सिंध हुकूमत ने तजवीज़ दी कि मुकम्मल कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल करने के बजाय मरहलावार किया जाए और देही इलाकों में दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए। सिंध हुकूमत ने पहले मरहले में छोटी मार्केट्स खोलने और बड़े शहरों में तिजारती मराकज फिलहाल ना खोलने की तजवीज़ दी है, जबकि सिंध हुकूमत ने ईद उल फितर के लिए भी SOPs बनाने की तजवीज़ दी। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने अंदरून शहर ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाल करने का फैसला किया है। तहम इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट की बहाली के लिए SOP बनाई जाएगी। वफाक को सिफारिशात पेश करने के बाद वजीर आला सिंध ने वज़रा का इजलास तलब कर लिया। लॉकडाउन और पाबंदियों से मुतालिक सूबों की तजावीज़ पर हतमी फैसला वजीर आजम की ज़ेरे सदारत इजलास में होगा। खबर से अपडेट रहने के लिए खबरों सियासी या मुल्क के बुरान की या हो आपके मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की बात, हम बनेंगे आपकी आवाज़। सब्सक्राइब कीजिए पाकिस्तान के सबसे बड़े वेब TV क्विक न्यूज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।